वेलकम टू ईशानी वीडियोस। गुम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में अब आप सबको देखने को मिलेगा कि रजत काफी ज्यादा गुस्सा होने वाला है सवी के ऊपर, क्योंकि सवी ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से पूरी तरह से बिजनेस में लॉस हो चुका है और एक सबसे बड़ी जो डील थी वो हाथ से जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रजत सिर्फ गुस्सा नहीं करेगा बल्कि चिल्लाएगा भी और उसके साथ साथ दारू की लगातार वो कश लेने लग जाएगा। अब इस बात से सवी रजत को रोकेगी भी और गले भी लगाएगी और उसके साथ साथ रजत को संभालेगी भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रजत का गुस्सा जहां एक तरफ बढ़ता जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अब काफी ज्यादा सभी को रुलाते हुए नजर आने वाली है रजत की मॉम भी, क्योंकि सिर्फ यहां पर रजत ही गुस्सा नहीं है, रजत की मॉम भी उससे ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि इतना सारा यहां पर प्रॉब्लम होने के बाद में भी पूरी तरह से सारी चीजों को यहां पर हैंडल करते हुए रजत नजर आ रहा था, लेकिन सभी को किस वजह से यहां पर बीच में आना पड़ा और सभी ने क्या गलती कर दी, चलिए उसके बारे में बताते हैं। और उसके साथ साथ करवा चौथ स्पेशल आने वाला है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इन सभी बातों को पहले जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब आने वाले एपिसोड में सभी काफी ज्यादा खुश हो रही होगी पहले कि आखिर में मैं बहुत अच्छा कर रही हूं, जिसके बाद में यहां पर रजत के गले में खराश होने की वजह से वो कई सारी बातें बोल नहीं पा रहा होगा और सिर्फ सभी ही यहां पर रजत की हैंडराइटिंग और बाकी सारी चीजें समझ पाती है। इसी वजह से ऑफिस के अंदर यहां पर रजत को पूरी तरह से रेस्ट देने के लिए और सभी मदद करने के अपने मकसद से जाती है और यहां पर वो जो डील रहती है उसके लिए वो वहां पर कई सारी पेशकश करती है, यानी प्रेजेंटेशन देती है, और उसके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन रहता है वो फेल हो जाता है और यहां पर डील जो रहती है वो अपने हाथों से जाते हुए देखता है रजत। रजत को गुस्सा आता है, घर पर बैठ के दारू पीता है, रजत को सभी अपना प्यार दिखाती है जताती है लेकिन प्यार का बिल्कुल काम नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ रजत की मॉम भी अब यहां पर सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है और उसके साथ साथ करवा चौथ स्पेशल आने वाला है, लेकिन क्या करवा चौथ स्पेशल में रजत सभी को माफ कर पाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना।